नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट मार्केटिंग की उन स्ट्रेटजीज के बारे में, उन तरीके के बारे में, उन प्लानिंग के बारे में जो कि आप 2022 में यूज़ कर सकते हैं आप अपने रेस्टोरेंट के लिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या फिर अगर आप एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं, आपका मन है कि भाई 2022 में मैं कोई रेस्टोरेंट खोलूँ, तो मार्केटिंग बहुत एक एसेंशियल पार्ट होती है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट रेस्टोरेंट की जो मार्केटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रोज़ नज़र आता हूँ, रोज़ की डेली वीडियो बनाता हूँ, ये भी एक मेरी स्ट्रेटेजी का, मार्केटिंग का मेरा एक पार्ट है, क्योंकि मेरे भी अपने प्रोडक्ट है जिन्हें कि मैं सेल करता हूँ। सच जो की बात है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। चलिए जी, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जो कि कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। पर जब भी हम लोग पेड मार्केटिंग करते हैं या किसी दूसरी या तीसरी पार्टी के द्वारा हम लोग अपनी मार्केटिंग करवाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी किसी से करवाएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी से है या किसी भी कंपनी है, एजेंसी से, तो आप उसको पैसे पे कर रहे होते हैं, पर जब आपको उनके रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो उस मार्केटिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको उनसे बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इतनी नई टर्म्स और नई टेक्निक्स होती है जिनको कि समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कुछ जो टेक्निक्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहली यहाँ पे वो है हमारी सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब कि जो भी आपका रेस्टोरेंट है वो सोशली प्रूफ है। कहने का मेरा मतलब है, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपको उनको अप्रोच करना है कि भाई आप अपने जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के चैनल पे या कोई भी सोशल मीडिया है, ट्विटर जो भी आप बोल दीजिए, उन सब पे हमारे रेस्टोरेंट की फ़ोटो आप डालिए, खाने की फ़ोटो आप डालिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको टैग कीजिए, और यहाँ से हम आपको कुछ डिस्काउंट्स देंगे। चाहे आप 10% बोल दीजिए, 5% बोल दीजिए, जो भी आपको लगता है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो रेस्टोरेंट की इमेज है वो सोशली प्रूफ हो जाती है कि भाई हाँ भाई कुछ एक ऐसा रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे भी इतने लोग जाके खाते हैं और वहाँ से अपनी फ़ोटोएँ खींचते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी कस्टमर आपके पास वहाँ आता है और जब वो अपनी चीज़ें सोशली डालता है, तो उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो सब उनको देखते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ और मैं कुछ डाल रहा हूँ, तो जितने भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल के लोग होंगे, जो भी वहाँ रहते होंगे, उन सब को देखेंगे और हर कोई वहाँ रेस्टोरेंट पर जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, चाहे आप उनको फ़ोटो डालने के, आपको टैग करने के 10% डिस्काउंट दीजिए, 5% डिस्काउंट दीजिए, या उनको कुछ फ्री आइटम दे दीजिए, पर दीजिए जरूर कुछ, तभी वो लोग ये सारी करेंगे। फ्री में कस्टमर भी कुछ नहीं करेगा आपके लिए। दूसरा होता है यहाँ पे हमारी सेल्फी स्पॉट का। सेल्फी स्पॉट का मतलब है कि आपको आपके रेस्टोरेंट पे एक ऐसा एरिया बनाना है या एक ऐसा एरिया तैयार करना है जहाँ पे आपकी रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग हो रही हो, आपके रेस्टोरेंट का नाम हो या कुछ भी इस तरीके का हो, जिससे कि जो भी कस्टमर है वहाँ पे सेल्फी लेगा अपनी और सेल्फी को वो अपलोड करेगा। सेम यहाँ पे वो पहला वाला पार्ट ही इंक्लूड हो जाएगा, जब भी वो शेयर करेगा आपको, आपके हैशटैग लगाएगा या आपको वहाँ पे टैग करेगा, तो उसके दोस्त वगैरह देखेंगे और वो वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको किसी को डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर सेल्फी लेने से यही होगा कि आपकी जो रेस्टोरेंट की मार्केटिंग आपकी हो जाएगी। अगर पहला और मैं दूसरा बोलूँ तो दूसरे के अंदर हमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री, पर पहले में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं कस्टमर को इन फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट और डिस्काउंट और एनी फ्री डिश, समथिंग लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें पता हो गई। इसके बाद तीसरा है हमारा वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट के द्वारा आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये वीडियो कंटेंट कौन बनाएगा? आप चाहे तो अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स हो गए, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब रील्स हो गए, इंस्टाग्राम की वीडियोज़ होगी, कू ऐप है, अब बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे कंटेंट रेडी कर सकते हैं, अपने आप ही कंटेंट डाल सकते हैं। और जब आप अपने कंटेंट डालते हैं तो यूट्यूब में तो ये भी ऑप्शन है कि आप वहां की लोकेशन डाल सकते हैं पर्टिकुलरली, और उस लोकेशन को आप अपने जो गूगल माई बिजनेस पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर उस वीडियो को देखने के बाद भी आपके पास आ सकता है। वहीं अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो आप जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनको बुला सकते हैं, कुछ हो सकता है कि उसमें आपसे पैसे ले आने के, कुछ फ्री में भी आ सकते हैं, पर फूड के मामले में मैटर नहीं करता कितने उस ब्लॉगर्स के सब्सक्राइबर हैं। अगर कोई कम, अगर आप देखेंगे अभी जैसे किसी के 100-150 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप उनको सिर्फ खाना भी दे देंगे, उनको अप्रोच करके कि हम आपको फ्री में खाना दे देंगे, उनके लिए ही काफी हो जाता है। तो यहां पे आप कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो कंटेंट मार्केटिंग आप बोल सकते हैं यूट्यूब या आपकी फेसबुक से भी हो सकती है, आपकी इंस्टाग्राम से भी हो सकती है। चौथा यहां पे आते हैं आपके एड्स। ये हमारी पेड एड्स होती है हमारी यहां पे।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे एड्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे एड्स कर सकते हैं, गूगल पे एड्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप गूगल देख रहे हैं तो किसी एक रेस्टोरेंट का आ रहा है और डायरेक्ट वो आपको बुकिंग करने के लिए बोलता है, तो सेम ये एड्स होती है। आप इस प्रकार की एड्स भी चला सकते हैं, क्योंकि जब भी आप टारगेट करके, पर यहाँ पे एड्स आप उन्हीं समय पे चलाएं या उसी समय चलाएं जब कोई सीज़न चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, नया साल चल रहा है, क्रिसमस चल रहा है, दिवाली चल रही है, ताकि आप कुछ अच्छा उनको वहाँ पे खिला पाएं या दिखा पाएं। क्योंकि इस समय में जो कस्टमर होता है वो ऐसी जगह ही जाना पसंद करेगा जो कि फेमस है, और जब ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी तो वो जाना वहाँ पे ज़रूर प्रेफर करेगा। तो एड्स आपको चलानी है, पर आपको सही समय पे उनको चलाना ज़रूरी है। इसके बाद पांचवा होता है यहाँ पे रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग आप SMS के द्वारा कर सकते हो, WhatsApp के द्वारा कर सकते हो, मैसेज के द्वारा कर सकते हो, कॉल करके भी कर सकते हो। रीटारगेटिंग जब भी आपके पास डेटा इकट्ठा हो जा रहा है, जो कि डेटा आप चाहे तो जब कस्टमर आपके पास आ रहा है उनसे ले रहे लेके उनका पूरे बर्थडे आपका एनिवर्सरी वो सब उनको वहाँ पे आप कैप्चर करके रख रहे हैं, गैदर करके रख रहे हैं, और जब उनका सही समय आ रहा है आप उनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बुफे चला रहे हैं और आपको लगता है कि भाई बुफे खाली रह जाएगा, तो आप अपने जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ आपके जो भी खाली जगह है वो भर जाएगी। या जो भी आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे को 100 लोगों का बूफे था, सिर्फ 50 ही सीट्स बिक पाई हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपका बिक जाएगा। तो आपको जो रीटारगेटिंग है उसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो छठा है वो है हमारी थीम बेस्ड मार्केटिंग। थीम बेस्ड मार्केटिंग का मतलब है कि अभी जैसे हमने इसमें अगर मैं रिसेंटली अगर बोलूँ, हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, कैफ़े, जो कि गीता कॉलोनी दिल्ली में है, जिसका कि नाम है मीम्स स्टोरी, क्योंकि कम्प्लीटली मीम्स बेस्ड कैफ़े है। और इस प्रकार के रेस्टोरेंट आपके बड़े ही जल्दी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कि मार्केट में चल रहा होता है उससे कुछ अलग कर रहे होते हैं। यहाँ पे मीम्स कैफ़े अगर मैं बोलूँ, सेम अभी आपने सर्कस कैफ़े देखा होगा, सी कैफ़े देखा होगा, जंगल कैफ़े देखा होगा, शेर आपके जेल कैफ़े आपने देखा होगा, तो इसी प्रकार की अलग अलग थीम्स होती हैं। तो सेम जो कि इस तरीके की आपकी जो थीम बेस्ड मार्केटिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है जल्दी ही। और सबसे लास्ट यहाँ पे हमारे पैकेजिंग का। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा एक इनिशियल आप बोल सकते हैं, इनिशियली ही हमको कर देना चाहिए जब भी हम अपनी मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं या रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इवन अब तो इतनी वीडियोस मैंने ही बना दी हैं, लगभग 350 से ज़्यादा रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन के ऊपर मेरी वीडियोज़ होंगी। पैकेजिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, पर पैकेजिंग के ऊपर आपको इतना पैसा भी नहीं खर्च कर देना कि बाकी चीज़ आप ना कर पाओ। पैकेजिंग के तौर पर आप सिंपल जो कि आपके जो भी आप पैकेजिंग में यूज़ करें कीजिए, स्टिकर्स छपते हैं 50 पैसे से लेकर 1 रुपये 2 रुपये तक पर एक स्टिकर छपता है। अपनी ब्रांडिंग जरूर कीजिए, पैकेजिंग का कहने का मेरा मतलब है, अगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपके रेस्टोरेंट क्या है, कैसा है। तो पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और पैकेजिंग को भी बदलते रहिए, नए नए तरीके अपनाते रहिए। कभी मिल्क शेक को बोतल में दे दीजिए, कभी ग्लास में दे दीजिए, चीज़ें बदलते रहिए, क्योंकि कस्टमर को भी पसंद है चीज़ें बदल बदल के खाना। तो यही सारे जो 7 तरीके हैं आप अपनी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं 2022 में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा मेरे मेंटरशिप भी प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि आप इनरोल कर सकते हैं। हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशंस भी देते हैं रेस्टोरेंट्स को, आप वो भी ले सकते हैं, जिसके के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।